प्रज्ञा ने तनु को गले लगा लिया है। माता रानी के मंदिर के आंगन में प्रज्ञा ने तनु को गले से लगा लिया। कहीं तनु और प्रज्ञा के बीच दोस्ती तो नहीं हो गई, ऐसा ही लोगों को लगेगा, लेकिन ये धोखा है। तनु ने प्रज्ञा को जरूर यहाँ बुलाया है, लेकिन उसने फोन में बुलबुल की आवाज निकाल कर यहाँ बुलाया है। प्रज्ञा बुलबुल को जिंदा समझकर मंदिर में आई, अंधेरे में तनु को बुलबुल समझकर उसे गले भी लगा लिया, लेकिन जैसे ही लाइट्स ऑन हुई उसे पता चला कि ये तो तनु है। तनु ने ही चाल चलकर प्रज्ञा को मंदिर में बुलाया है उसे धमकी देने के लिए कि वो अभी के सामने उसका राज उजागर नहीं करेगी और अगर उसने ऐसा किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वजह एक ही है, मेरा पति इसका बॉयफ्रेंड है। लेकिन प्रज्ञा कहाँ मानने वाली है, उसने तो पूरी तैयारी कर ली है। प्रज्ञा ने मोबाइल को टीवी के साथ जोड़कर रखा था और अभी के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वहाँ तनु आ पहुंची, उसने मोबाइल को निकाला और शुरू हो गई दोनों की कैट फाइट। इस कैट फाइट के चक्कर में अभी आया तो सही, लेकिन वो राज जान नहीं पाया और वो वहाँ से परेशान होकर चला गया। वो गुस्सा होकर चले जाते हैं तो मैं उनको मोबाइल नहीं देखा पाती, ऐसा कुछ हो जाता है। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ उनको कुछ दिखाने की, लेकिन क्योंकि तनु आ जाती है तो मैं नहीं दिखा पाती। जब तक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी ना, तब तक कैट फाइट चलती रहेगी। वैसे इस सिचुएशन को प्रज्ञा और तनु ने खूब एंजॉय किया। इस तरीके के डायलॉग्स बोलने में मजा तो आता है, बिकॉज वो कट होते हैं सारे एनर्जी उस हिसाब से, तो शूट करने में मजा आता है ऐसे। और दोनों बहुत खुशी से अपने इस कैट फाइट को अंजाम दे रही थीं, और जब तक तनु का राज नहीं खुलेगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। मुंबई से पारस कोठारी की रिपोर्ट।